आपने सुना तो होगा ही, किसी शरीफ आदमी को इतना भी परेशान मत करो कि वो अपनी शराफत छोड़ दे। ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की हॉलीवुड वॉर ड्रामा मूवी रैम्बो लास्ट ब्लड में। पिछली लड़ाई रैम्बो ने 11 साल पहले बर्मा में लड़ी थी और उसके बाद वो अपने पिताजी के घर रहने एरिजोना आ गया था। रैम्बो के पिता की डेथ हो चुकी है, वो अब इस घर में अपनी दोस्त मारिया और उसकी पोती गैब्रियल के साथ रहता है। रैम्बो एक टनल में सोता है क्योंकि उसे अच्छे बेड में सोने की आदत नहीं है। हम देखते हैं रैम्बो और गैब्रियल काफी क्लोज हैं और दोनों एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। एक दिन गैब्रियल रैम्बो और मारिया से जिद कर रही थी कि उसे उसके पिताजी का एड्रेस मिल गया है। वो मेक्सिको में है और वो उनसे पूछना चाहती है कि उन्होंने उसे क्यों छोड़ा। मारिया उसे डांट लगा कर कहती है उसके पिता बुरे आदमी हैं और गैब्रियल को उनसे दूर रहना चाहिए। रैम्बो भी गैब्रियल को जाने से रोकता है तो वो उनकी बात मान लेती है और वहां से रोते हुए चले जाती है। एक दिन गैब्रियल कार ड्राइव कर रही थी, वो अचानक यू टर्न लेती है और मेक्सिको के लिए निकल पड़ती है। वो अपने पिता के घर जाती है जहां उनकी दूसरी बीवी दरवाजा खोलती है। थोड़ी देर में उसके पिता भी आ जाते हैं और उसे देखते ही पहचान जाते हैं। वो कहते हैं उसे गैब्रियल कभी नहीं चाहिए थी, इसलिए उसकी माँ के मरते ही वो उसे छोड़ के आ गया और उसे वहां से जाने को कहता है। गैब्रियल रोते हुए वहां से चले जाती है और अपनी एक फ्रेंड के घर जाती है। जब गैब्रियल उसे सारी बात बताती है तो वो उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे बार चलने को कहती है। बार में एक लड़का गैब्रियल को ड्रिंक ऑफर करता है, वो मना कर देती है पर लड़के के काफी इंसिस्ट करने पर मान जाती है। उस लड़के ने गैब्रियल के ड्रिंक में कुछ ड्रग मिला दिया था। जब गैब्रियल की आंख खुलती है तो वो देखती है उसका किडनैप हो चुका है और वो यहाँ अकेली नहीं है, उसके साथ और भी लड़कियां हैं जिन्हें जबरदस्ती लाए हैं और उसका किडनैप ह्यूगो और विक्टर ने किया है। ये दोनों भाई ड्रग माफिया हैं और लड़कियों का सौदा करते हैं। इधर मारिया को भी पता चल जाता है गैब्रियल मेक्सिको चले गई है और वो रैम्बो को ये सब बताती है। रैम्बो मेक्सिको के लिए निकलने लगता है तो मारिया उसे पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहती है। रैम्बो कहता है पुलिस कभी भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी और उसे गैब्रियल को खुद ही लाना पड़ेगा और वो मेक्सिको के लिए निकल पड़ता है। अब रैम्बो कैसे पूरे मेक्सिको के गैंग से टक्कर लेगा और अपनी भतीजी को वापस लाएगा, देखिए दूसरे पार्ट में।